प्रोडक्ट को कहाँ भेज रहा है? तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे बच्चों, मॉलिक्यूल्स या तो बाहर से अंदर की तरफ आएंगे या अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। अगर कोई प्रोडक्ट सेल के अंदर आना है तो वो बाहर से अंदर आ रहा होगा। सेल ने कुछ बनाया है, उसकी जरूरत बाहर है, यानी सेल को ऑर्डर मिला है कि आपको फलाना प्रोटीन बनाना है, तो उसने प्रोटीन बनाया है, उस प्रोटीन की जरूरत शायद कहाँ होगी? बाहर होगी। तो या तो कंडीशन ये हो सकती है कि चीज बाहर से कहाँ है, अंदर, या हो सकता है अंदर से कहाँ जाए, बाहर। अब आउट टू इन, यानी बाहर से अगर अंदर आई होगी बच्चों, तो उसको बोलते हैं हम एंडोसाइटोसिस। उस वर्ड को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। विद्या की कसम है कोई लिखेगा नहीं। अगर चीज अंदर से बाहर की तरफ जा रही है तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? एंडोसाइटोसिस। अगर मटेरियल बाहर से अंदर आएगा तो एंडोसाइटोसिस, और अंदर से बाहर जाएगा तो एंडोसाइटोसिस। क्लियर हो रही है कहानी? पहला काम तो क्या हो गया? प्रोटेक्शन। दूसरा, सेल के अंदर का एनवायरनमेंट क्या रखना? मेंटेन, यानी कि सेपरेट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके का हो सकता है, या तो मटेरियल बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। अगर बाहर से अंदर आएगा तो एंडोसाइटोसिस, अंदर से बाहर जाएगा। अब एंडोसाइटोसिस में दो कंडीशन और हो सकती है, या तो सॉलिड मटेरियल अंदर आ रहा है या फिर लिक्विड मटेरियल अंदर आ रहा है। भाई सॉलिड मटेरियल भी अंदर आ सकता है और लिक्विड मटेरियल, कोई हार्मोन कोई केमिकल अंदर आया, ठीक है, तो वो किस फॉर्म में होगा? लिक्विड। तो लिक्विड मटेरियल भी अंदर आ सकता है और सॉलिड मटेरियल भी। अगर लिक्विड मटेरियल अंदर आएगा, दिस टर्म इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे? और अगर लिक्विड मटेरियल अंदर आया तो पिनोसाइटोसिस। लिक्विड अंदर आएगा तो पिनोसाइटोसिस, और सॉलिड अंदर आया तो फैगोसाइटोसिस। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि एक सेल है, एक सेल ने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ किया है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। सॉलिड मटेरियल अंदर आया है तो वो क्या है? फैगोसाइटोसिस। जितनी भी मैक्रोफेजेस सेल हम पढ़ने जाएंगे आगे, वो सब किस सिद्धांत पे काम करेगी? उन मैक्रोफेजेस का काम होता है फॉरेन बॉडी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर लेना और अपने जो एंजाइम्स हैं उनसे डिस्ट्रॉय कर देना। तो सॉलिड मटेरियल को अंदर लेना क्या कहलाएगा? फैगोसाइटोसिस। और अगर लिक्विड मटेरियल अंदर आया तो पिनोसाइटोसिस। ये ईएसआईसी में आया था बच्चों, पिनोसाइटोसिस। लिक्विड मटेरियल एंटर इनटू द सेल, दिस प्रोसेस इज नोन एज। लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर आया, ये क्रिया क्या कहलाती है? क्या बोलते हैं इसको? पिनोसाइटोसिस। क्लियर होगी बात? यस सर। लेकिन सर क्या सॉलिड मटेरियल बाहर जाता है तो उसका भी कोई नाम है? लिक्विड मटेरियल कोई बाहर जाता है तो उसका भी कोई अलग से नाम है? तो मेरा जवाब है नहीं। सॉलिड बाहर जाए या लिक्विड बाहर जाए वो क्या कहलाएगा? एक्सोसाइटोसिस। बात समझ में आई? Yes, तो ट्रांसपोर्टेशन दो तरीके का, क्या? या तो मटेरियल अंदर आए वो क्या कहलाएगा? एंडोसाइटोसिस। या मटेरियल बाहर जाए वो क्या कहलाएगा? एंडोसाइटोसिस। अब अंदर मटेरियल आने में दो चीजें आ सकती है, या तो सॉलिड आए या लिक्विड आए। सॉलिड आएगा तो एंडोसाइटोसिस, लिक्विड आएगा तो एंडोसाइटोसिस। सॉलिड या लिक्विड बाहर जाएगा तो एंडोसाइटोसिस। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन में क्या था बच्चों? फॉस्फोलिपिड था और क्या था? प्रोटीन। मेनली ये दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से? फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर है? दो। हर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के कितने पार्ट है? दो। हेड और टेल। हेड कैसा है? हाइड्रोफिलिक। और टेल कैसी है? हाइड्रोफिलिक। जब हमने देखा कि जो ये हेड है, ये हेड जो है ये किसकी तरफ है? वाटर की तरफ। अंदर वाली लेयर में भी जो हेड है वो आईसीएफ की तरफ है या साइटोसोल की तरफ है, और बाहर वाली जो लेयर है इसमें भी हेड किसकी तरफ है? वाटर की तरफ। और टेल कहाँ है? वाटर से दूर। तो टेल कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, और हेड कैसा होता है? क्लियर है? इनके बीच बीच में अरेंजमेंट है किसका? प्रोटीन का। दो तरीके से, जो कंप्लीट लेंथ में है वो तो क्या हो गए? जो सरफेस से अटैच है वो क्या हो गए? इस तरीके का जो हमने पढ़ा है स्ट्रक्चर किसका? सेल मेम्ब्रेन का। इस मॉडल को बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्या बोला जाएगा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया किसने? तो दिया सिंगर एंड निकोलसन। किसने दिया बच्चों? सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया? 1972 में। सबसे ऑथेंटिक जो मॉडल माना गया किसके ऊपर? सेल मेम्ब्रेन की डिजाइन के ऊपर, वो कौन सा माना गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। किसने दिया? सिंगर। कब दिया? सेल को खोजा कब था?
सबसे ऑथेंटिक मॉडल कब आया? खोजा किसने था? मॉडल किसने दिया? क्या तब तक रॉबर्ट हुक जिंदा होगा? मर गया होगा? कभी भी जो भी साइंटिस्ट या रिसर्चर होते हैं ना बच्चों, वो ये सोच के अपनी रिसर्च या अपनी खोज शुरू नहीं करते कि मैं जीते जी सब कुछ खोज लूंगा। वो अपनी रिसर्च शुरू करते हैं और अपने मरने तक जितना भी कुछ पा सकते हैं वो पाते हैं और आने वाले रिसर्चर को पास ऑन कर देते हैं कि अब आगे का काम तुम्हारा, जितना मैं कर पाया मैंने कर दिया, अब आगे तुम करो। सबसे ऑथेंटिक मॉडल 1972 में आया, जबकि सेल कब खोज ली गई थी? तकरीबन 300 साल बाद। तो 300 साल तक खोज चल रही है और अभी भी खोज चल रही है। अभी भी कई सारी चीजें हैं जो सेल्स के अंदर हम लोग नहीं जानते हैं, जो धीरे धीरे हम लोगों को पता चलेगी। मोस्ट ऑफ चीजें पता चल गई है। उस समय जिस समय किसी तरह के रिसोर्सेज नहीं होते थे तब जाकर सेल को खोजा, अब इतने सारे रिसोर्सेज हैं तो अब हमारे नई नई चीजें हमें मिलती जा रही है। क्लियर हो रही है आपको बात? तो ये इस मॉडल को बोला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो किसने दिया था बच्चों? सिंगर एंड निकोलसन। कब दिया था ये? 1972। तो हमें ये बातें भी लिखनी है, ठीक है? तो फंक्शन लिखिए।